मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। बार बार वीडियो के माध्यम से हम एक संदेश देते हैं कि जोड़िए तोड़िए मत, भारतीय संस्कृति की तरफ आइए। आज हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है जोड़ने का, एक बहू का जिन्होंने अपनी सासू माँ के लिए इतनी अथक मेहनत की और आज जो असंभव था उसे संभव कर दिया। मेरे साथ जो रोगी हैं, उन रोगी को 6 महीने का समय डॉक्टरों ने बोला था और 3 महीने उसमें से कंज्यूम हो गए थे रिपोर्ट्स करवाने में, और लास्ट में बोला कि ये 1 हफ्ते में अगर ऐसा करेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर ये बिस्तर पे होंगे, चल नहीं पाएंगी। और भाई राजीव दीक्षित जी का वीडियो सुन के, गोमाता पे और प्रकृति पे विश्वास करके ये बहन जी गुरुकुल आई, और आने के बाद आज इनके क्या परिणाम हैं वो आप खुद देख लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बहन जी अपनी सासू माँ को प्रेम करती है, उसी प्रकार से सारे भारत की बहुएं अपनी सासू माँ से प्रेम करें, परिवारों को जोड़ के चलें। पहले हमारे यहाँ ताऊ चाचा सब साथ रहते थे, तो जोड़ के चलें। परिणाम क्या है उस दवा के, वो मैं बहन जी से अभी आपकी बात करवाऊंगा। बहन जी आप बताएं, आपका नाम बताएं। गीता। कहाँ से हैं आप? पंचकूला। कौन से सेक्टर है? 5 सेक्टर। मकान नंबर क्या है? 301। कितना लाभ मिला है? 100 में से कितने नंबर देंगे? 70% तो हो गया है। 70% तो है, 100% होने में तो रिपोर्ट पे डिपेंड है, अदरवाइज उनको देखने पे वो 100% ही लग रहे हैं। काफी इम्प्रूवमेंट है, देखने में तो लगता था वो ठीक ही नहीं होंगे कभी। पहले ये था कि कभी ठीक नहीं होंगे, नहीं वो चले जाएंगे, सिक्स मंथ के अंदर चले जाएंगे। बहुत ही ज्यादा ये हो गया था कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट जैसे मैंने यहाँ से दवाई लेनी शुरू, एक बार तो हिम्मत मैं भी हार गई थी कि सुबह आज तक कभी उठे नहीं ना इतनी जल्दी, तो लगा कि 4 बजे उठ के दवाई देनी, लेकिन था कि इनको बचाना है। और किसी ने बोला ये कि विश्वास करके अगर ये दवाई भी दोगे तो अमृत के समान है। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे उनको मैंने देना शुरू किया, शुरू में मैं डर गई थी कि क्योंकि इतना ज्यादा क्रिटिकल था कि इनकी नस कभी भी फट सकती है, और दवाई देने का साइड इफेक्ट कि कहीं ये दवाई उनको रिएक्शन कर जाए, लूज मोशन लग जाए, वोमिटिंग हो जाए, तो कोई अंग्रेजी दवाई भी हम नहीं ले सकते। तो मुझे, मैंने जैसे ही अपने परमात्मा को याद करके, गऊ माता के बारे में भी सोच के, जैसे उनको दवाई देनी शुरू की, 2 या 3 दिन तो मैं काफ़ी डरी कि नहीं कि कुछ हो ना जाए, बट जब 3 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने दिलो जान से उनको दवाई और उनका पूरी अच्छे जैसा हो सकता है मैंने जितना मुझसे हुआ तो मैंने उनकी पूरी सेवा में लगाया, 17 या 18 घंटे उनके ऊपर लगाए, और आज मुझे लगता है कि वो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उनके अंदर। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में, महीने बाद, अगर मैं और दवाई के साथ उनकी, अभी है उनको जरूरत थोड़ी सी और, ताकि उनको चलते फिरते तो वो पहले भी थे लेकिन काफ़ी एक्टिव होने में उनको टाइम लगेगा, 1 महीना या 2 महीने और लग जाएंगे, उसके बाद वो प्रॉपर ठीक हो जाएंगे। तो मेरा सभी को यही संदेश है कि अंग्रेजी दवाइयों की बजाय आयुर्वेदिक दवाइयों को लो। एक बार मेरे कहने से आप विश्वास करके यहाँ दवाई लेके जाओ, इसका 100% रिजल्ट होगा। हालांकि हम विश्वास नहीं करते थे, आना भी नहीं चाहते थे, बट जैसे ही मुझे किसी ने बताया और आने के बाद, मैंने ऐसा नहीं है कि दवाई दी बस ढक्कन डाले दे दिया हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात है विश्वास, दूसरी बात पूरे उनको इतना मोटिवेट करना, इतना प्यार देना है पेशेंट को। जब तक आप उनको प्यार नहीं दोगे दवाई काम नहीं करेगी। वो दवाई नहीं ले सकते थे, उनको वोमिटिंग आ रही थी, कोई इंसान 4 बजे उठ के 2 या 3 गिलास नहीं पी सकता, और हर 40 मिनट्स के बाद जब वो उनको दवाई देती तो उनको लगता था कि नहीं पीना, लेकिन उनको इतना मोटिवेट किया गया, इतना प्यार दिया कि ना माँ तू ठीक हो जाएगी और बहुत जल्दी ठीक होगी। और ऐसे मोटिवेशन से वो धीरे धीरे हफ्ते में उनको थोड़ी सी रिकवरी, 10 डेज में थोड़ा और, 15 और 30 डेज में तो वो कहते कि बेटा मैं काफ़ी ठीक हूँ। काफ़ी हौसले के साथ उनमें रिकवरी हुई है, प्यार के साथ, ऐसा नहीं। और मैं सबको ये संदेश दूंगी कि गऊ की रक्षा करो, हर इंसान को गऊ के, गऊ से बनी हर एक चीज़ को खाओगे तो स्वस्थ ही रहोगे। तो बहन जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया, आप देख लीजिए कि 1 माह के अंदर जो असंभव लग रहा था, सारे जो समस्याएं थी वो समस्याएं सभी समाप्त हो गई है, बस एक एक कागज का टुकड़ा बाकी है, 2 महीने बाद वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। एक और बात मैं बहन जी से कहना चाहूंगा, महिलाओं में जो कैंसर है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो लिपस्टिक और नेल पेंट। तो मैं बहन जी के माध्यम से एक सबसे निवेदन भी करवाना चाहूंगा कि महिलाएं लिपस्टिक को छोड़ के चंदन और हल्दी और नेल पेंट को छोड़ के आपकी मेहंदी
लगाना शुरू करें। उसका मैं कारण भी बता देता हूँ कि ये नेल पेंट आपको लगता है कैसे कैंसर करता है, मैं आपको बताता हूँ। आटा जो है ना हाथों से गूंथा जाता है और वो धीरे 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 वो आटे में मिलता है और आपका पूरा परिवार खाता है। ठीक इसी प्रकार से लिपस्टिक भी काम करती है। आपने बच्चे को प्रेम पूर्वक छू लिया, किस कर लिया, होठों पे किस कर लिया, उसके शरीर में चला गया, आपके बच्चे को समस्या चली गई। दूसरा, आप जो होठों में लगाते हो हमारा शरीर सेंसर है। जैसे आप कभी नीम लगाओगे तो नीम का असर नीचे तक जाएगा, आम लगाओगे तो आम का असर नीचे तक जाएगा, आप आम का रस लगाओ आम खाओ, इसी प्रकार से लिपस्टिक यहाँ पे होठ सोख लेते हैं और कोशिकाओं के माध्यम से, क्योंकि हमारी नाभि के पास इतनी कोशिकाएं हैं कि पूरे विश्व को नाप दे, कोशिकाओं के माध्यम से वो शरीर के अंदर घुस जाता है और अल्टीमेटली वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे खुशी भी है कि बहन जी ने लिपस्टिक लगाना छोड़ दिया है, और भी मेरी जितनी भी माताएं बहनें हैं इस लिपस्टिक को आग लगा दे, फेंक दे, एक 50 रुपए की लकड़ी चंदन की ले आए, पूरी जिंदगी भर घिसती रहे मक्खन में लगाए, और अगर कलर पीला चाहिए तो हल्दी लगा लो और हरे पत्ते ले लो किसी के। जी बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और क्या संदेश देंगे इस पे? बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे आचार्य जी ने कहा कि लिपस्टिक को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, इससे काफी साइड इफेक्ट हैं, तो आज के बाद हमें यही प्रण लेना चाहिए कि हम आज के बाद कभी भी लिपस्टिक या नेल पेंट या ऐसे बनी कॉस्मेटिक की चीजों का कोई भी इस्तेमाल नहीं करें, और गौ माता की रक्षा करें। गौ माता से बने देसी गाय, मैंने देसी गाय वैसे सबका ही अच्छा है, लेकिन देसी गाय का सबसे सबसे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हर घर में गौ माता हो, तुलसी हो, यही हमारी कामना है।